हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हमारे गेम के अंदर आने वाले कंफर्म टूर्नामेंट अपडेट के बारे में। और अगर आप लोग आज की ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हो तो आप लोग को टुनाइट अपडेट के साथ साथ आने वाले बिल्कुल ही नए फिस्ट स्किन के इवेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, पर्पल शेड इवेंट के बारे में भी कंफर्मेशन निकल के आ चुकी है, तो भी स्किन इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। रेड कार्पेट एनिमेशन की भी आप लोगों को डिटेल से इन्फॉर्मेशन में शेयर करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, आप लोगों को मैं बताऊंगा इसी के साथ साथ एक बिल्कुल ही नए रिंग इवेंट जो कि हमारे सुपर हीरो रिंग इवेंट है उसके बारे में, नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट के बारे में कि उसके अंदर कौन सी गन स्किन आने वाली है, पर्पल शेड बंडल के बारे में भी एंड साथ साथ गोल्डन शेड बंडल के बारे में भी बताऊंगा। एंड इतना ही नहीं, जो स्कॉर्पियन बंडल है ये आप लोग को कब तक गेम के अंदर वापस देखने को मिलेगा एंड कन्फर्म नेक्स्ट वीपन रॉयल की भी मिल चुकी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, क्योंकि उसी के अंदर मैं गेम के अंदर आने वाले सारे इवेंट अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला अपडेट है दोस्तों हमारे बिल्कुल ही नए फिस्ट के स्किन के इवेंट के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, गेम के अंदर आप लोगों इसी अगस्त मंथ के अंदर आने वाले नेक्स्ट वीक में एक मोको स्टोर देखने को मिलेगा। एंड इस मोको स्टोर के अंदर बताया जा रहा है कि आप लोगों को फिस्ट की स्किन देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, फिस्ट की स्किन कौन सी आएगी ये अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म हो चुका है कि जो भी नेक्स्ट मोको स्टोर आएगा उसके अंदर आप लोग को फिस्ट की स्किन देखने को मिल सकती है। एंड अगर बात करें कि ये मोको स्टोर कब तक देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को अगस्त मंथ एंड होते होते ये फिस्ट की स्किन का मोको स्टोर हमारे गेम के अंदर ऐड होते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे आप लोग कौन सी फिस्ट को चाहते हो फिर से वापस गेम के अंदर आ जाए, कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं पर्पल शेड बंडल के रिगार्डिंग। कल की वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप लोग को आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँ कि भाई पर्पल शेड बंडल कब आएगा और कौन से इवेंट के अंदर आएगा। तो भाई प्रेजेंट टाइम पर जो पर्पल शेड बंडल की इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों नवंबर मंथ के अंदर इसका इवेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन से इवेंट के अंदर ये बंडल आ सकता है। तो भाई रिंग इवेंट के सबसे ज्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं कि आप लोगों रिंग इवेंट के अंदर पर्पल शेड का मेल एंड फीमेल का कॉस्ट्यूम अवेलेबल कराया जा सकता है, या फिर दोस्तों आप लोगों को लक रॉयल इवेंट के अंदर भी ये सारी चीजें गेम के अंदर ऐड होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लोग भी पर्पल शेड बंडल का इंतजार कर रहे हो तो आप लोग का इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा एंड आप लोग को नवंबर मंथ के अंदर इसका इवेंट देखने को मिलेगा। अगर कंफर्म डेट जानना चाहते हो तो थोड़ा दिन इंतजार करो, जैसे इसका बैनर मिलेगा कंफर्म डेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगला अपडेट है दोस्तों रेड कार्पेट अराइवल एनिमेशन के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप लोगों ने पूछा था कि भाई रेड कार्पेट अराइवल एनिमेशन एंड लैम्बोर्गिनी अराइवल एनिमेशन कब तक आएगा, तो उसमें से हमारे लैम्बोर्गिनी का अराइवल एनिमेशन हमारे गेम के अंदर आ भी चुका है एंड प्रेजेंट टाइम पर चल भी रहा है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं निकाला तो निकाल लेना। बात करते हैं इस रेड कार्पेट अराइवल एनिमेशन के बारे में। ये रेड कार्पेट अराइवल एनिमेशन आप लोगों को आफ्टर OB46 अपडेट देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों 4 सितंबर की तारीख को OB46 का अपडेट आने वाला है, देन उसके बाद जो मोको स्टोर आएगा उसके अंदर आप लोगों को ये अराइवल एनिमेशन देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि इसका भी लक रॉयल का कोई ना कोई इवेंट आ जाए एंड उसके अंदर आप लोगों को एक नहीं 4 से 5 अराइवल एनिमेशन जो है एक साथ ऐड करके गेम के अंदर अवेलेबल करा दिए जाएँ। बाकी का यार जो लैम्बोर्गिनी वाला अराइवल एनिमेशन आया हुआ है, क्या आप लोगों ने इसको निकाला, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड आप लोगों को लैम्बोर्गिनी का अराइवल एनिमेशन कैसा लगा, अच्छा है या फिर बढ़िया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला अपडेट जो निकल के आया हुआ है ये है दोस्तों नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड के रिगार्डिंग। जी हाँ, फाइनली 100% कंफर्म हो चुका है हमारा ईवो वर्ल्ड इवेंट, जिसके अंदर आप लोगों को इस बार जो हमारी ईवो स्कार है मेगाडिन स्कार ये 100% कंफर्म देखने को मिलने वाली है। एक गन 100% कंफर्म हो चुकी है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ईवो स्कार इस बार हम लोग को नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी डेट रहने वाली है 2 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर को आप लोग को नया ईवो वर्ल्ड देखने को मिलेगा।
इसके अलावा 3 घन स्किन के बारे में अभी कंफर्मेशन निकल के नहीं आई हुई है, इसकी कंफर्मेशन 4-5 दिन के अंदर मिल जाएगी तो मैं आप लोग को पूरा 4 गन का कंफर्मेशन दे दूंगा। वैसे अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो भाई मुझे 2nd नंबर पर जो गन लग रही है ना वो ईवो G18 की स्किन लग रही है। जी हाँ, जो हमारी ईवो एक्सेस के अंदर आई हुई है वही लग रही है कि नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर वो गन स्किन आ सकती है। यानी मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो भाई मुझे ईवो स्कार के साथ साथ ईवो G18 की स्किन कन्फर्म लग रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं गोल्डन सीड बंडल के रिगार्डिंग। जी हाँ, फाइनली गोल्डन सीड बंडल का जो इवेंट है ये कन्फर्म हो चुका है। आप लोग को गेम के अंदर गोल्डन सीड बंडल का रिंग इवेंट देखने को मिलने वाला है और ये जो इवेंट है हमारे गेम के अंदर दिवाली इवेंट के दौरान आने वाला है। और अगर बात के लिए दिवाली इवेंट कब आएगा तो वो लगभग आप लोगों को अक्टूबर या नवंबर मंथ के आसपास देखने को मिलेगा। तो नवंबर मंथ के अंदर आप लोगों को गोल्डन थ्रेड बंडल के साथ साथ उसके बाकी के जो बंडल्स है वो बंडल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग को ये रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए या फिर दिवाली इवेंट के दौरान जो दिवाली विश इवेंट आता है उस दिवाली विश इवेंट के अंदर भी ये सारे कॉस्ट्यूम देखने को मिल सकते हैं। अगले नंबर का जो अपडेट है ये है यहाँ पर हमारे स्कॉर्पियन बंडल के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा भाई स्कॉर्पियन बंडल जो कि हमारा एक ईवो बंडल है उसके रिटर्न बैक के बारे में काफ़ी टाइम से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि हाँ भाई ये रिटर्न बैक आएगा। एंड फाइनली दोस्तों हर एक सर्वर के अंदर ये ईवो बंडल रिटर्न बैक आ भी चुका है। एंड इन सर्वर के लिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को कुछ इस टाइप के टोकन टावर इवेंट के अंदर ये ईवो बंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों उसी टोकन टावर इवेंट के अंदर सारे के सारे आइटम जो रहेंगे स्कॉर्पियन आइटम से रिलेटेड, स्कॉर्पियन थीम से रिलेटेड, वो सब कुछ एक साथ आप लोगों को एक ही टोकन व्हील इवेंट के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इसको निकालना चाहते हो तो भाई आप लोग के यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हज़ार डायमंड लग जाएंगे इसको निकालने के लिए। बाकी का अगर आप लोग थोड़ा बहुत वेट करते हो तो क्या पता आप लोगों को इस ओबी अपडेट के बाद कोई नया ईवो बंडल भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा 100% कंफर्म हो चुके वीपन रॉयल के बारे में बात कर ले तो आप स्क्रीन पर जो ये चमचमाती हुई M60 की स्किन देख रहे हो ये 100% कंफर्म हो चुके हमारे नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के लिए, जिसके एट्रीब्यूट्स भी आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। रीलोड स्पीड एंड जो एक्यूरेसी है इसके अंदर डबल प्लस देखने को मिल जा रही है। एनिमेशन की बात करें तो भाई आप लोग को इसके अंदर ब्लू कलर का एनिमेशन भी देखने को मिल जा रहा है। तो ये नया वीपन रॉयल है जो कि आप लोग को आने वाले नेक्स्ट वीपन रॉयल के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी भी कन्फर्मेशन काफ़ी टाइम पहले से ही निकल के आ रही है एंड मैं इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम पहले से ही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीपन रॉयल निकालना है तो भाई थोड़ा सा वेट करो, जैसे वीपन रॉयल चेंज होगा आप लोग को अगले वीपन रॉयल के अंदर यही गन स्किन ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगले नंबर का जो अपडेट है ये है दोस्तों हमारे टुनाइट इवेंट के रिगार्डिंग। जी हाँ, आज रात 12 बजे बाद कौन सा इवेंट आएगा उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज रात 12 बजे के बाद आप लोगों को गेम के अंदर एक रिंग इवेंट देखने को मिलेगा जो कि सुपर हीरोज इवेंट की थीम से रिलेटेड रहने वाला है। मैंने आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन लगभग 2 हफ्ते पहले ही दे रखी थी कि हाँ भाई 18 अगस्त, जी हाँ 18 तारीख को आप लोगों को सुपर हीरोज इवेंट की थीम से रिलेटेड जो रिंग इवेंट है वो देखने को मिलेगा। इसके अंदर सुपर हीरोज के तीनों बंडल एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर पिक्सल बंडल, क्रिस्टल बंडल एंड सुपर वॉइड वाला जो बंडल है ये 3 कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे। एंड मुझे इसमें सुपर वॉइड वाला जो रेड कलर का ये बंडल देख रहे हो ना ये सबसे ज्यादा पसंद आया। आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई हुई है कि इन बंडल को एक्सचेंज करने के लिए आप लोग यूनिवर्सल टोकन का भी यूज कर सकते हो। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भाई इसके अंदर यूनिवर्सल टोकन यूज होगा कि नहीं होगा, ये चीज आप लोग को आज रात 12 बजे के बाद पता चल जाएगा क्योंकि यार कल सुबह 4 बजे के आसपास आप लोग को गेम के अंदर इसका इवेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी डायमंड सेव करके रख लो। बाकी का दोस्तों ऐसे ही कंफर्म इवेंट और अपडेट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले सारे इवेंट और अपडेट की इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ।